नमस्कार, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ taxlegit.com। आज हम बात करेंगे सक्सेशन प्लानिंग बाय क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। जैसे ट्रस्ट के थ्रू आप सक्सेशन प्लानिंग कैसे करें। सो इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज सक्सेशन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, सक्सेशन प्लानिंग थ्रू ट्रस्ट, एलिजिबिलिटी, पार्टीज, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, रिक्वायरमेंट्स, टैक्सेशन एस्पेक्ट्स एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि सक्सेशन प्लानिंग होती क्या है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एसेट्स हैं जो आप किसी और को या फिर अपनी फैमिली में देना चाहते हैं, तो उसे पास कैसे करें, वो स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली देखिए 5 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। एसेट्स को कैसे मैनेज करें, कंट्रोल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनों की डेवलपमेंट कैसे प्रमोट करें, प्राइवेसी कैसे प्रोवाइड करें कि भाई ये हमने बांटा है, इसकी प्राइवेसी है, ये किसी को पता ना चले, सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और एसेट्स को प्रिजर्व कैसे करें कि भाई एसेट्स किसी गलत हाथों में ना जाए। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई सक्सेशन प्लानिंग थ्रू ट्रस्ट, ट्रस्ट के थ्रू ही क्यों जाएं? तो देखिए, सबसे कॉमन मोड है, सबसे बेहतर इसमें लीगल प्रोटेक्शन है, ये भी फ्लेक्सिबल और सर्टेन है। मतलब इसमें कोई भी आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, किसी भी ट्रस्टी को चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही सिंपल है। एक्सेप्टेबल मोड है फॉर सक्सेशन प्लानिंग थ्रू मैनी, टाटा, रिलायंस, सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रस्ट का मॉडल अपना रखा है सक्सेशन प्लानिंग के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी है, 18 साल से कोई भी बड़ा हो, साउंड माइंड का हो और किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई ना हो। अगर कोई माइनर इसे ट्रस्ट को बनाता है तो प्रिंसिपल कोर्ट जो है उस एरिया की, लोकल एरिया की, उससे एक परमिशन चाहिए होती है। इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, सो बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं, सेटलर जिसे ऑथर भी कहते हैं कुछ लोग, ट्रस्टी या फिर बेनिफिशियरी। सो सेटलर क्या होता है, जिसकी वजह से, जिसके कहने पे ये ट्रस्ट एग्जिस्टेंस में आती है। मान लीजिए आपके एसेट्स हैं तो आप इसके सेटलर हैं। ट्रस्टी कौन होता है, कह लीजिए ट्रस्टी कह लीजिए एक बंदा या एक लो आदमी जिसके नाम पे आज की डेट में ये ट्रस्ट के एसेट्स होंगे, लीगल बेनिफिशियरी कह लीजिए, लीगल होल्डिंग उसके नाम पे होनी चाहिए। बेनिफिशियरी कौन होता है तीसरा, कि जिसके लिए ये ट्रस्ट बनी है। मान लीजिए वो माइनर है तो आपका बच्चा हो गया बेनिफिशियरी। ट्रस्टी कौन हो गया, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं तो हस्बैंड हो गया सेटलर, वाइफ हो गई ट्रस्टी, बच्चा हो गया बेनिफिशियरी। तो लीगल जो है होल्डिंग है वो ट्रस्टी के नाम पर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होगा, जिसको सारा एसेट उनके नाम पे होना है आगे जाके। टाइप्स ऑफ ट्रस्ट कौन सी होती हैं, सो 2 तरह की ट्रस्ट होती हैं, एक पब्लिक ट्रस्ट और एक प्राइवेट ट्रस्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, पब्लिक ट्रस्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो ब्रॉड एंगल होता है। प्राइवेट ट्रस्ट एक क्लोज ग्रुप के लिए है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव, फ्रेंड्स या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ट्रस्ट बनाने की, सो बेसिकली एक डीड बनती है, डीड कह लीजिए कंपनी के MOU की तरह है, पूरा रूल्स और रेगुलेशन उस पर आते हैं। जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है वो डिफाइंस होती है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रस्ट में आनी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द ट्रस्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन होती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, उसके बाद एक पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं वो ट्रस्ट खोलने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, फिर आप ट्रांसफ़र करके उसको चला सकते हैं। इसके टैक्सेशन एस्पेक्ट्स क्या हैं, तो बहुत ही सिंपल टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हैं। सेटलर को कोई टैक्स नहीं लगता कि अगर वो अपने ट्रस्ट के एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रस्ट में एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेनिफिशरीज़ को जब पैसा मिलेगा, जब एसेट्स मिलेंगे ट्रस्ट से, तो उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली कोई कैपिटल गेन नहीं है अगर सेटलर जो है अपने एसेट्स को ट्रस्ट में डाले या बेनिफिशरी ट्रस्ट से अपने पास ले। हाँ, जब बेचेगा तो ज़रूर टैक्स लगेगा। इसके रिगार्डिंग इसका प्रोसेस क्या है, सो बेसिकली आपने क्या करना है, एक नाम सोचना है ट्रस्ट का, सेटलर और ट्रस्टी डिसाइड करना है, MOU डिसाइड करना है, जैसे कि ट्रस्ट डीड होती है वो डिसाइड करनी है कि किसको कितना मिलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, उस तरह के डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, ड्राफ्ट करना है, सबमिट करने हैं रजिस्ट्रार के पास, और सर्टिफिकेट रिसीव करना है। विदिन 15 डेज आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप हमें वेबसाइट पे देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें या ईमेल कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।